साथियों, हम जिस नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं उसका विजन स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस भारत को कहां ले जाना चाहती है ये भी देश के सामने अब आ गया है। कांग्रेस और उसके साथी भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक दिल्ली में और दूसरा जम्मू कश्मीर में। मैं जरा नांदेड़ के मेरे भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के महागठबंधन के साथी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला खुले आम कह रहे हैं कि देश में दो प्रधानमंत्री होने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए, क्या आपको ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जम्मू कश्मीर से अफ़्का का कानून हटाएगी ताकि आतंकियों के सामने हमारे जवान लाचार हो जाए, वो झूठे केसों में उलझ जाए। क्या कांग्रेस का ये वादा आपको स्वीकार है? क्या किसी हिंदुस्तानी को स्वीकार हो सकता है? देश का कोई वीर जवान इसको स्वीकार कर सकता है? कांग्रेस पाकिस्तान से पैसे लेकर देश में अलगाव पैदा करने वालों से बातचीत करना चाहती है, क्या ऐसी बातचीत आपको मंजूर है? क्या कांग्रेस पाप कर रही है कि नहीं कर रही है? कांग्रेस भारत के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले देशद्रोहियों से जुड़े कानून को हटाकर उनको खुला लाइसेंस देना चाहती है। क्या नांदेड़ को, महाराष्ट्र को ये देशद्रोह का कानून हटाना मंजूर है? क्या मंजूर है? क्या भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने जो ये डकोसला पत्र बनाया है इसकी नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इन्होंने देश के वीर जवानों के सामने सवाल उठाए थे, जब एयर स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगे थे, जब 21 पार्टियों की महामिलावट ने मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। साथियों, ये अजब स्थिति है, आज देश में जो हालात है, चाहे वो कश्मीर के हालात हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो, ये आग कांग्रेस की लगाई हुई आग है। एनडीए की सरकार उसको बुझाने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी उस आग को और भड़काने के लिए साजिशें रच रहे हैं।